जय सेवा सगाजनों, सभी गुणानाशियों का गुणास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, जैसे कि आज हम इंगारेती कड़िंग वाला यानी सेकंड पार्ट्स देखने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट्स वन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स देखा नहीं होगा, जो भी अभी नए सगाजन है उन्होंने वो पार्ट्स देखा नहीं होगा, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देखेगा। और सगाजनों, जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गुंडी भाषा का पीडीएफ फाइल दिया हो, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और गुंडी भाषा सीखने की कोशिश करिएगा। तो कैसे अपन जिसको जो अभी पूरा जीरो से पढ़ने वाले हैं ना, स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा सगाजन होंगे उतना ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग अपनी मातृभाषा बोलेंगे उतना ही कैसे अपने को प्रॉफिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना भाषा का प्रचार प्रसार होगा और संविधान की 8वीं अनुसूची में अपनी भाषा को कैसे शामिल किया जाएगा। तो जैसे कि अभी हम सेकंड पार्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट्स में हमने पढ़े थे जैसे कि वाक्य की रचना किस प्रकार से होती है ना। तो जैसे कि मैंने पूरा आपको डिटेल्स में नहीं बताया था, इसमें मैं डिटेल्स में बता देता हूँ आप लोगों को, ओके। तो जैसे कि सगाजनों, यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ गुंडी में लिखा हूँ, मैं इसका हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने पास एक कॉपी रखिए और एक पेन रखिए, है ना। जितने भी मैं आप लोगों को सेंटेंस बताता हूँ उसे गुंडी प्लस हिंदी में लिख कर रखिएगा, या तो मराठी में लिख कर रखिएगा, है ना, या तो इंग्लिश में, ओके। तो जैसे कि देखिए, अभी कयुम्याल का मतलब होता है इंगारेती कड़िंग का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, और इंग्लिश में बोलेंगे उसे पॉजिटिव सेंटेंस, है ना। सकारात्मक वाक्य सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ पॉजिटिव जो थिंकिंग आने वाली है ना सेंटेंस में, हमें उसे वही दिखेंगे अपने को, है ना। कोई भी इसमें निगेटिव फीलिंग्स होने वाली नहीं है, ओके। जैसे कयुम्याल का मतलब होता है कर्ता, कयुम का मतलब होता है कर्म, क्रियाभेद या तो न्यूजक का मतलब होता है क्रियापद, ओके। जैसे कि ये क्रियापद अपना गुंडी भाषा का शब्द है ना, जैसे कि कोई किसी को लगेगा कि भाई ये क्रियापद का ही शब्द है ना, ऐसा नहीं है, ओके। इसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा एक आध बार। तो जैसे कि अभी देखिए, मैं फर्स्ट सेंटेंस पढ़ता हूँ यानी मेरे लिए, है ना। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ अना गुंडी पुणे में एन दोना, है ना, अना गुंडी पुणे में एन दोना, यानी इसका मतलब होता है, अना का मतलब होता है मैं, गुंडी या गुंडी, है ना, जो हमारी एक संस्कृति होती है, भाषा होती है, धर्म होती है ना। तो जैसे कि गुंडी, है ना, गुंडी पुनिमी, पुनिमी का मतलब क्या आता है, धर्मी, ओके ना। पुनिम का मतलब होता है धर्म, ये लगा तो क्या हुआ, पुनिमी। फिर बाद में हमारा जो सहायकारी क्रियापद है ना, जैसे कि एंदोना, इसका मतलब क्या होता है, हु, है ना। तो जैसे कि मैं गुंडी धर्मी हु, मराठी में देखिए मी गुंडी धर्मी आहे, है ना। इंग्लिश में देखिए आई एम अ गुंडी रिलीजन, है ना, इस प्रकार से उसका सेंटेंस बनता है। तो आपको हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए हमेशा अना या तो नना, अना क्या अपना गुंडी भाषा का ओरिजिनल शब्द है, ओके ना, उसी का ब्रंश होकर नना बन गया, है ना। तो जैसे कि अभी अना के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है, यहाँ पे एंदोना या क्या हमारा सहायकारी क्रियापद है ना। जैसे कि जो अपने डमरू की जो धुन बजती है, जैसे कि अड़ंग, है ना, अड़ंग, अड़ंग से क्या बनता है हमारा सर्वनाम, अना, ओके ना। तो उसी प्रकार अपना जो सहायकारी क्रियापद बनता है, जैसे कि अड़ंग धातु से, है ना, इससे पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसे कि एंदोना, है ना। तो देखिए कैसा बनता है, जो अड़म धुन है ना, अड़म धुन से क्या बनता है हमारा एक सहायकारी क्रियापद की एक मूल धातु बनती है अम, अम से क्या बनता है हमारा सहायकारी क्रियापद एंदोना, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे अस्वर लगता है, उसी प्रकार सहायकारी क्रियापद में भी फर्स्ट स्वर जो है ना अपना अ से स्टार्ट होना चाहिए, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए दूसरा, देखिए जिस प्रकार यहाँ पे ना प्रत्यय लगता है, उसी प्रकार क्रियापद में भी आपको ना प्रत्यय लेना है, ओके ना। जैसे कि कोई बोलता है इसे एंदोना को क्या बोलता है, आंदन बोलता है ना, इस प्रकार से। दूसरा, अगर हम आम धातु से देखेंगे तो वो क्या बनता है हमारा, आंदोना, है ना, आंदोना, इस प्रकार से आपको क्रियापद नहीं लगाना है, ओके ना, अगर आपको सिद्धो गुंडी ग्रामर के अनुसार चलने का रहा तो, ओके। तो कैसे क्षेत्र के अनुसार थोड़ा उसमें कैसे चेंजेबिलिटी होती रहती है, बदलाव होता रहता है ना। तो और सगाजन ने देखिए एक बात और बता देता है कि अपने लिए डमरू की भाषा है ना, कि आपकी जैसे कि कोयतूर बोली है, पाना पारसी है, पारसी है, माड़िया गुंडी है, राजगुंडी है, दुर्गुंडी है, भाषा नहीं है, है ना। ये क्या है, अपने पांडिपारी कुपार लिंगों द्वारा जो रचित भाषा है वही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ओके ना। तो देखिए अभी सेकंड सेंटेंस देखिए, अभी मैं बोलता हूँ, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर सेंटेंस। अभी देखिए अनेक वचनी यानी हम सब के लिए, अमोट गोंडवाना तोर एंदोम, है ना, या तो अमोट गोंडवाना तोर एंदोम या तो आंदोम, ओके, या तो आप यहाँ पर आंदोरम भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब होता है अमूट का मतलब हम, गुंडाना अपना जो लैंड है ना, तो वो। फिर बाद में देखिए तोर, तोर का मतलब क्या होता है, के होता है, जैसे कि अगर एक व्यक्ति रहा तो हम उसके लिए तोर लेते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, के। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति है ना, एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो हम क्या लगेंगे इसमें, क प्रत्यय लेंगे।
तो ये क्या होता है तुर्क, है ना, यानी इसका मतलब क्या होता है तुर्क के। एंदुम का मतलब क्या होता है, ओके ना, हम गोंडवाना के है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक शब्द डाल देता हूँ, अमूर गोंडवाना तुर्क मन्नेवाल, है ना, मन्नेवाल, ओके, मन्नेवाल का मतलब क्या होता है रहवासी, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मन्नेवाल, ओके, अगर एक व्यक्ति रहा तो उसके लिए हम मन्नेवाल लेंगे, अभी एक से ज़्यादा व्यक्ति है इसलिए हमने क प्रत्यय लिया है, ओके ना। आपको प्रत्यय लगाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि अनेक क्वेश्चन सेंटेंस है अपना वाला इसी के अकॉर्डिंग, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, अमूर गोंडवाना तुर्क मन्नेवाल एंदोम, ओके ना, इस प्रकार से। अभी देखिए सगाजनों, यहाँ पे जिस प्रकार ऐसे आसोर बनता है उसी प्रकार क्रियापद में भी आपका आसोर आना चाहिए, है ना, इस प्रकार से, ओके। तो अभी देखिए हमारा थर्ड सेंटेंस देखिए, अभी और या तो एयर गोंडवाना तुर मन्नेवाल एंदोर या तो अंदोर, यानी इसका मतलब क्या होता है, और या तो एयर का मतलब, और का मतलब होता है वह, एयर का मतलब होता है यह, आप अपने कॉपी में लिख कर रखिएगा, है ना। कैसे सभी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल्स में नहीं बता, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को लिख कर नहीं बता सकता क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ना। और का मतलब होता है वह, एयर का मतलब होता है यह, गोंडवाना तुर, है ना, यानी गोंडवाना का रहवासी हो, रहवासी है ना। अंदूर या तो अंदूर का मतलब क्या होता है, ओके ना। जैसे कि जिस प्रकार यहाँ पे र लगता है ना, तो उसी प्रकार क्रियापद में भी आपको र लेना है, ओके, इस प्रकार से। तो अगर हमें देखिए, अभी देखिए ये क्या है, थर्ड पर्सन के लिए ये क्वेश्चन सेंटेंस है ना। तो अभी देखिए थर्ड पर्सन के लिए, लड़की के लिए, अद या तो ईद कोयताड़ अंदू, है ना, या तो अंदू, तो इसका मतलब क्या होता है, अद का मतलब होता है वह, ईद का मतलब होता है यह, ईद का मतलब होता है यह, कोयताड़ का मतलब क्या होता है गुंडियन, है ना, जैसे कि गुंडियन बोलते हैं अपन उसे, ओके। अंदू या तो अंदू का मतलब होता है ना। तो देखिए अभी वह गुंडियन है ना, वह गुंडियन है, ओके ना, है। अभी देखिए ईद का मतलब क्या होता है, यह जो पास में लड़की है ना, जैसे कि हम उसके लिए बोलते हैं ईद कोयताड़ अंदू, है ना, ईद कोयताड़ अंदू, यह गुंडियन है, जैसे कि यह गुंडियन है ना, इस प्रकार से। तो अभी देखिए हम उसी में हम बहुवचन वाला सेंटेंस पढ़ते हैं इसी के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे और, है ना, अभी यहाँ पे और है ना, और का मतलब क्या होता है वह, अभी हमारे पास क्या है एक से ज़्यादा व्यक्ति है, तो इसीलिए हम क्या लेंगे अभी यहाँ पे और के वो के आगे का जो स्वर जो है ना, पता है, जैसे कि औरंग, औरंग से क्या बनता हमारा और, है ना, ये क्या बनता हमारा सर्वनाम बनता है, कर्ता बनता है, फिर उसमें क्या करते हैं हम क प्रत्यय जोड़ते हैं, ओके ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं लिखकर बताता हूँ और, है ना, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, का दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा होगा और, है ना, इस प्रकार से। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए अभी एयर है ना, जो आगे वाला जो स्वर है ना उसमें क्या करेंगे हम, जो आगे वाला स्वर है ना ऐ, है ना, तो फिर उसमें क्या करेंगे र जैसे कि वैसा लेंगे, फिर इसमें क जोड़ेंगे, ओके ना। यानी ये क्या इसका मतलब क्या आता है, और का मतलब वे दूर में है वे, एयर का मतलब है पास में है, ओके ना, वे कोयतुर है ना, वे गुंडियन है ना, वे गुंडियन है, वे गुंडियन है, ओके ना। उसी प्रकार ये गुंडियन है ना। अंदूर क्या तो अंदूर का मतलब क्या होता है, ओके। आपको इसे लिखकर रखना है बहुत ही, यानी लिखकर रखना है और ज़्यादा मात्रा में इसकी प्रैक्टिस करना आवश्यक है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। तो अभी देखिए अभी हम महिलाओं के लिए प्लूरल सेंटेंस पढ़ेंगे, बहुवचन वाला वाक्य देखेंगे अभी। जैसे कि यू या तो अ कोयताड़ हक अंदुंग, है ना, या तो अंदुंग, यानी यू का मतलब होता है ये, ओ का मतलब होता है वे, ओके ना, यू का मतलब होता है ये, ओ का मतलब होता है वे, गुंडियन है ना। ये कुछ नहीं रहा तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, कोयताड़, ओके ना। अभी क्या करेंगे हम इसमें हक प्रत्यय जोड़ेंगे, ओके ना, ड के बाद में हम हक प्रत्यय जोड़ते हैं, ये क्या होता है फिर गुंडियंस, है ना, गुंडियंस, है ना, इस प्रकार से। तो हिंदी में उसको समझ में नहीं आता है ना। तो देखिए अभी क्रियापद क्या कौन सा लिया हमने, साइकर क्रियापद अंदुंग, है ना। तो जैसे कि अंदू, अंदू में क्या लिया हमने, ग प्रत्यय लिया है ना, अंदू में क्या लिया ग प्रत्यय, यहाँ पर भी अंदुंग में क्या लिया ग प्रत्यय लिया, ओके ना, तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि ये गुंडियन है, वे गुंडियन है, ओके ना, इस प्रकार से। तो सगाजनों इस प्रकार से हमारे पूर्व के पूरे सेंटेंस थे। अगर आपको कुछ इसमें कोई समस्या रही तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। अगर कोई भी आपको समस्या रही गुंडे भाषा से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर
मुझे पूछिएगा, मैं आप लोगों को उसका जॉब जरूर देंगे, है ना। और सगा जनों दूसरी बात है कि प्रैक्टिस ज़्यादा मात्रा में करिए, जितना प्रैक्टिस करूँगी उतना आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो हम जल्दी ही अपन कैसे अपना जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम है वो भी यहाँ पर चालू करेंगे, है ना, ताकि आप लोग बोर ना हो सके। ओके, तो सगा जनों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, है ना।